प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कंजर्वेटिव थ्योरम्स को बेसिक रूप में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कंजर्वेटिव थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पहले देखते हैं। हमको लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, जो होता है ddt डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल टू जीरो। हम यहां से लिख सकते हैं डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल टू ddt डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। इसको इक्वेशन वन सपोज कर ले रहे हैं यहां पे। अब हम किसी मैकेनिकल सिस्टम के लिए ऐसे लैग्रेंजियन को कंसीडर करेंगे जो टाइम का फंक्शन ना हो, यानी लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटी। हमें पता है कि जो लैग्रेंजियन होता है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे लैग्रेंजियन को कंसीडर करेंगे जो टाइम का फंक्शन ना हो। तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो होगा। हम लैग्रेंजियन का टोटल डेरिवेटिव लिखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे dl अपॉन dt इक्वल टू समेशन i डेल l अपॉन डेल qi qi डॉट प्लस समेशन i डेल l अपॉन डेल qi डॉट qi डबल डॉट प्लस डेल l अपॉन डेल t। अब यहाँ पे डेल l अपॉन डेल t इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इक्वेशन वन से हम डेल l अपॉन डेल qi की जगह पे लिख सकते हैं ddt डेल l अपॉन डेल qi डॉट। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा dl अपॉन dt इक्वल टू समेशन i ddt डेल l अपॉन डेल qi डॉट प्लस समेशन i डेल l अपॉन डेल qi डॉट qi डबल डॉट। अब हम इसको लिख सकते हैं dl अपॉन dt इक्वल टू समेशन i ddt qi डॉट डेल l अपॉन डेल qi डॉट। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो जो ऊपर वाला एबव इक्वेशन है वो हमको मिल जाएगा। अब हम समेशन को इसके डेरिवेटिव के अंदर कर लेते हैं तो हमको मिलेगा dl अपॉन dt इक्वल टू ddt समेशन i qi डॉट डेल l अपॉन डेल qi डॉट। अब जो दोनों का टोटल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं ddt समेशन i qi डॉट डेल l अपॉन डेल qi डॉट माइनस l इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन टू सपोज कर ले रहे हैं। अब हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रल्स ऑफ मोशन के बारे में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने आपको यह बताया था कि यदि कोई क्वांटिटी हो जिसका टाइम डेरिवेटिव जीरो मिलता है तो वे क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं ड्यूरिंग द मोशन, और इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं इंटीग्रल्स ऑफ मोशन। और यह अगर कोई क्वांटिटी इंटीग्रल्स ऑफ मोशन होती है तो वह फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व कहलाती है। अब हम समेशन आई qi डॉट डेल l अपॉन डेल qi डॉट माइनस l को सॉल्व करके देखते हैं हमको क्या मिलता है। आयलर्स थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है कि समेशन ओवर k क्यू के डेल l अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू एन एफ होता है, जहाँ पे जो f है वो होमोजीनियस फंक्शन है क्यू के का और n जो है वो डिग्री है f का। तो यहाँ से हम इसको यह लिख सकते हैं, हमारा यही था समेशन i क्यू आई डॉट डेल l अपॉन डेल क्यू आई डॉट। तो l के जगह पे हम t माइनस v लिख सकते हैं, टी माइनस बी एल जो होता है लैग्रेंजियन होता है और डिफरेंस होता है काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी। तो समेशन आई क्यू आई डॉट डेल टी माइनस बी अपॉन डेल क्यू आई डॉट हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्यू आई डॉट जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्यू आई डॉट का फंक्शन नहीं होता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो मिल जाएगा। तो हमको मिलेगा यहाँ पे समेशन आई क्यू आई डॉट डेल टी अपॉन डेल क्यू आई डॉट। अब यहाँ पे हम आयलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको 2t मिलेगा। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ddt 2t माइनस l इक्वल टू जीरो।
अब हम यहाँ पे एल की भी वैल्यू रख लेंगे तो डी डी टी टू टी माइनस टी प्लस वी इक्वल टू जीरो मिलेगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा डी डी टी टी प्लस वी इक्वल टू, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे हम डेल ई अपान डेल टी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, और जब किसी क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव जीरो मिलता है तो वह क्वांटिटी कांस्टेंट कहलाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है और यह कंजर्व होगी। इस प्रकार हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि यदि किसी सिस्टम का जो लैग्रेंजियन होता है वह टाइम पे डिपेंड ना करता हो तो जो टोटल एनर्जी होगी उस सिस्टम की वह कंजर्व होगी। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अनुसार यदि कोई क्लोज सिस्टम है उस पर हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो उस सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होता है। हम यदि कंसीडर करें एक सिस्टम और उस पर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट दें एप्सिलॉन, तो जो कंडीशन होगी लैग्रेंजियन जो होगा उस सिस्टम का वो रिमेंस अनचेंज होगा और डेल एल इक्वल टू जीरो होगा। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे जो एवरी पार्टिकल्स होते हैं उस सिस्टम के वो मूव करते हैं सम डिस्टेंस एप्सिलॉन इन द सेम डायरेक्शन, जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा है। यदि इस सिस्टम के आयत पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर आई है तो डिस्प्लेसमेंट के बाद उस आयत पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो होगा आर आई प्लस एप्सिलॉन। यदि हम लैग्रेंजियन का चेंज देखें इन पोजीशन कोऑर्डिनेट हम, तो हम यह लिख सकते हैं डेल एल इक्वल टू समेशन आई डेल एल अपान डेल आर आई डेल आर आई। डेल आर आई है इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने एप्सिलॉन सपोज किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एल इक्वल टू समेशन आई डेल एल अपान डेल आर आई एप्सिलॉन। अब हमने ऊपर यह लिखा था कि जो लैग्रेंजियन होगा वो रिमेन अनचेंज्ड होगा, तो चेंज इन लैग्रेंजियन जीरो होगा, तो डेल एल इक्वल टू जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन समेशन आई डेल एल अपान डेल आर आई इक्वल टू जीरो। अब एप्सिलॉन जो है वो इनफाइनाइटेसिमल आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेशन आई डेल एल अपान डेल आर आई इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन वन सपोज करेंगे। अब हमें लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन हमको पता है डी डी टी डेल एल अपान डेल आर आई डॉट माइनस डेल एल अपान डेल आर आई इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ से हम डेल एल अपान डेल आर आई की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन वन में रखेंगे तो हमको मिलेगा इक्वेशन वन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा समेशन आई डी डी टी डेल एल अपान डेल आर आई डॉट इक्वल टू जीरो। अब हम समेशन को डेरिवेटिव के अंदर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा डी डी टी समेशन आई डेल एल अपान डेल आर आई डॉट इक्वल टू जीरो। और हम देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी है समेशन आई डेल एल अपान डेल आर आई डॉट उसका टाइम डेरिवेटिव जीरो मिल रहा है, तो वह तब यह जो क्वांटिटी है और यह रिमेन कांस्टेंट होगी ड्यूरिंग द मोशन, और इसको हम इंटीग्रल्स ऑफ मोशन भी कहेंगे, और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं समेशन आई डेल एल अपान डेल आर आई डॉट इक्वल हो जाएगा पी के, और डेल पी अपान डी टी इक्वल टू जीरो होगा, और पी जो होगा वह कांस्टेंट होगा और वह कंजर्व होगा, और पी जो है वह मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी क्लोज सिस्टम होगा उसका जो मोमेंटम होगा वह कंजर्व होगा, और इसको हम डेल एल अपान डेल आर आई डॉट को हम कहते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटा, और डेल एल अपान डेल आर आई इक्वल टू पी आई डॉट होगा जिसको हम जनरलाइज्ड फोर्स कहेंगे। आगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तो वहां पे इसका यूज करेंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोज सिस्टम की मैकेनिकल प्रॉपर्टी
चेंज नहीं होती है यदि वो क्लोज सिस्टम रोटेट कर रहा है किसी भी तरीके से किसी स्पेस में। इसलिए हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि जो इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन है इस सिस्टम का, यदि हम अप्लाई करें तो जो लैग्रेंजियन होगा इस सिस्टम का वह अनचेंज्ड होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो डेल एल होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। हम यहाँ पे डेल फाइव वेक्टर इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन चूज कर ले रहे हैं जो रोटेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वह रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ रोटेशन को। हम सपोज कर ले रहे हैं कि जो आर आई है वो पोजीशन ऑफ वेक्टर है ऑफ आईथ पार्टिकल का, जिसको हम पी नाम दे दे रहे हैं, जो रिलेटिव टू है ओरिजिन ओ से। ओ से पी तक का जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो आर आई है। अब पार्टिकल डेल फाई रोटेशन से पहुंच जाता है क्यू पे, डेल आर आई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो डेल आर आई की वैल्यू होगा वो होगा आर आई साइन थीटा डेल फाई। अब इसको इन वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं डेल आर आई इक्वल टू डेल फाई क्रॉस आर आई, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और डेल आर आई की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर आर आई और वेक्टर डेल फाई के। ये तो बात हो गई पोजीशन की। अब पोजीशन के साथ साथ इस जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी इन सेम मैनर, तो हम लिख सकते हैं डेल वी आई इक्वल टू डेल फाई क्रॉस वी आई, इसको इक्वेशन टू सपोज कर ले रहे हैं। अब हमें पता है कि जो लैग्रेंजियन होता है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी पे भी, तो चेंज इन लैग्रेंजियन बाय इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन हम इसको लिख सकते हैं डेल एल इक्वल टू समेशन आई डेल एल अपान डेल आर आई डेल आर आई प्लस समेशन आई डेल एल अपान डेल वी आई डेल वी आई। अब हमने ऊपर बात किया था कि कोई क्लोज सिस्टम है यदि वो रोटेट कर रहा है किसी भी प्रकार से स्पेस में तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, तो डेल एल इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेशन आई डेल एल अपान डेल आर आई प्लस समेशन आई डेल एल अपान डेल वी आई इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन थ्री सपोज कर ले रहे हैं। अब हमें पता है कि हमने पीछे ही डिस्कस किया था कि डेल एल अपान डेल आर आई डॉट को हम पी आई लिख सकते हैं, जिसको हमने जनरलाइज्ड मोमेंटा कहा था, और डेल एल अपान डेल आर आई को हम पी आई डॉट लिख सकते हैं, जिसको हमने जनरलाइज्ड फोर्स कहा था। इसका यूज हम इक्वेशन थ्री में करेंगे। डेल वी आई यानी वी आई की जगह पे हम आर आई डॉट लिख सकते हैं, तो उसको उससे रिप्लेस कर देंगे तो हमको इक्वेशन थ्री मिल जाएगा समेशन आई पी आई डॉट डेल आर आई प्लस समेशन आई पी डेल वी आई इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन टू और थ्री से डेल आर आई और डेल वी आई की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमको मिलेगा समेशन आई पी आई डॉट डेल फाई क्रॉस आर आई प्लस पी आई डेल फाई क्रॉस वी आई। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूल से हम इसको लिख सकते हैं समेशन आई डेल फाई इंटू आर आई क्रॉस पी आई डॉट प्लस डेल फाई इंटू वी आई क्रॉस पी आई इक्वल टू जीरो, और इसमें से डेल फाई को कॉमन कर लेंगे। डेल फाई को कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा डेल फाई इंटू समेशन आई आर आई क्रॉस पी आई डॉट प्लस आर आई डॉट क्रॉस पी आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वी आई इक्वल टू होगा आर आई डॉट, तो यहाँ पे वी आई के जगह पे आर आई डॉट लिख लिया गया है। अब हम इसको लिख सकते हैं डेल फाई इंटू समेशन आई डी डी टी आर आई क्रॉस पी आई इक्वल टू जीरो। फाई है वो इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन है, तो डेल फाई इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो डी डी टी समेशन आई आर आई क्रॉस वी आई इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको इक्वेशन फोर लिखेंगे यहाँ पे। अब आर आई क्रॉस पी आई जो है वो एम आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एम आई है वो एंगुलर मोमेंटम है आईथ पार्टिकल का,
तो जब हम इसको सम करेंगे तो सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। समेशन आई आर आई क्रॉस पी आई इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई एम आई इक्वल टू कैपिटल एम। और फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लिख सकते हैं डी डी टी एम इक्वल टू 0, जो एम है वो कांस्टेंट है, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्योंकि इसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो 0 है। और यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम किसी क्लोज सिस्टम का रिमेन अनचेंज्ड होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है। तो आज के इस वीडियो में हमने कंजर्वेशन थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।